हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अमृतसरी मसाला कुलचा। मैं हूँ माधवी और माधवीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल में ये अमृतसरी मसाला कुलचा। बिना ओवन और बिना ईस्ट के बनाएंगे हम इसे। बहुत ही इजीली घर में तवे पर झटपट ये हम मसाला कुलचा बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो आने वाली रेसिपीज है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं हम अमृतसरी मसाला कुलचा घर पर बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हम मसाला कुलचा के लिए आटा गूंथ कर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल या बटर आप यूज कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और आधा नींबू हम इसमें डालेंगे। तो नींबू का रस मैंने यहाँ निकाल कर इसमें डाल दिया है, आधे नींबू का रस हम डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट आटा गूंथ कर रेडी करेंगे। पानी एक साथ पूरा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो आटा है ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत है। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इसमें और ये देखिए करीब 2 टेबलस्पून पानी हमारा बच गया है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से गूंथ कर मुलायम आटा रेडी करेंगे। आटा हमारा जितना मुलायम होगा हमारा जो कुलचा है वो भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए आटा गूंथ कर रेडी कर लिया है मैंने, इस तरह का आटा है। इसे हम ढककर करीब 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि आटा हमारा फूल कर सेट हो जाए। अब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। आलू को सबसे पहले मैश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप किया ऑनियन, 1 मीडियम साइज का ऑनियन है, 2 ग्रीन चिली चॉप की हुई और चॉप की हुई हरी धनिया। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, डालेंगे आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने हिसाब से चिली पाउडर घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला से ये मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है ये बनकर रेडी हो गया है, तो इसे हम साइड में रखेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं आटे को। आटा हमारा 25 मिनट के बाद बिल्कुल सेट हो चुका है, एकदम सॉफ्ट आटा है ये देखिए। तो आटा बिल्कुल रेडी है, तो इसे मसल कर थोड़ा चिकना कर लेते हैं। आटे को अब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी लोइयों में मैं इस आटे को डिवाइड कर रही हूँ, तो 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है आटे को और इसे हम इस तरह से हथेली से राउंड शेप का बना लेंगे। आप मैदा की जगह यहाँ पर आटा भी यूज कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको जो भी पसंद है आप उसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये लोइयों को मैंने राउंड शेप में कर लिया है और एक लोई को लेंगे और इस पर आटा थोड़ा सा डस्ट करके इसकी हम इस तरह से रोटी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रोल कर लेंगे इसे। बनाना बहुत आसान है, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसके ऊपर हम 1 टीस्पून बटर को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इस रोटी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे प्लीट्स की जैसा। ये देखिए प्लीट्स जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से हम रोटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। मेनली रोटी को हम इस तरह से फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि जब जो हमारा कुलचा बने वो लेयर्स वाला बने। कुलचा बनने के बाद उसमें बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसके एंड्स को चिपका देंगे और इस तरह से लोई हमारी बन गई। तो अब इस लोई को हम थोड़ा सा रोल कर लेते हैं
अब हम इसमें जो अपना मसाला हमने रेडी करके रखा है उसे हम भरेंगे। तो इस लोई को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। इस पर डालेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर मसाला, जो आलू का मसाला हमने रेडी किया है। इस तरह से क्लोज कर देंगे चारों तरफ से आटे को हम लेते हुए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही इजीली ये चारों तरफ से अच्छे से क्लोज हो जाता है। हम अच्छे से दबाकर चारों तरफ से और क्लोज कर देंगे ताकि ये फट ना जाए। और इसे हम इस तरह से फ्लैट करेंगे हाथों से दबाते हुए। तो ये हमने एक कुलचा भरकर रेडी कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आटा इस पर डस्ट करके और इसे हम रोल कर लेंगे। ये अपने पसंद के हिसाब से आप इसे थोड़ा मोटा या पतला, आपको जैसा भी पसंद है आप इसे रोल कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा थिक रख रही हूँ क्योंकि कुलचा है तो थोड़ा सा थिक अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये एक कुलचा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे सेक लेते हैं तवे पर। तवा मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और कुलचा को हम तवे पर डाल देंगे इस तरह से। और कुलचा हमारा और भी सुंदर लगे देखने में तो हम इस पर थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया चॉप किया हुआ, और इसे हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि जो धनिया है वो कुलचे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर काला तेल भी डाल सकते हैं या कलौंजी के सीड्स भी इसके ऊपर से आप छिड़क सकते हैं, वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। कुछ देर के बाद जब कुलचा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूल चुका है, तो अब हम इसे पलट देते हैं। ये तो ये देखिए इस तरफ कुलचा हमारा अच्छे से सिक चुका है, ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक चुका है हमारा कुलचा। तो अब हम इसे तवे से हटाकर डायरेक्ट फ्लेम पर हम सेकेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे चारों तरफ अच्छे से सेक लेंगे कुलचे को। किनारों को भी अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि कुलचा हमारा जले ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एकदम तंदूर के जैसा हमारा कुलचा बना है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो आप देख सकते हैं बिना तंदूर के एकदम तंदूर जैसा कुलचा हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो एक हमारा कुलचा यहाँ पर रेडी हो गया है, ये देखिए बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो इसके ऊपर से हम डालेंगे ढेर सारा बटर। आप अपने हिसाब से बटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे इस पर बटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इस पर ढेर सारा बटर लगा रही हूँ। आप इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ब्रश से मैंने बटर लगा दिया है कुलचा के ऊपर, काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में। तो इस तरह से हम कुलचे को थोड़ा सा तोड़ लेंगे दबाते हुए। कुलचा का जो ऊपर का लेयर है वो थोड़ा क्रिस्पी है तो इस तरह से कुलचा टूट जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। इसे आप सर्व कीजिए छोले के साथ या अपनी कोई भी फेवरेट सब्जी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये कुलचा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखा ना आपने दोस्तों, घर में ही हम बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा मसाला कुलचा बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे मसाले कुलचे को बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी कुलचा बनता है घर पे। तो देखना ना भूलें मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग रेसिपी को। तो मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।